तो भाइयों आज हमारे सामने खड़ा है फार्म ट्रैक 45 EPI पावर मैक्स 50 HP का टायर या ट्रैक्टर है। तो आज की वीडियो में निशु करवा करें क्या कुछ आपको जो फीचर इसके अंदर मिलते हैं, और जो है 60 और जो 45 है छोटा सा कंपैरिजन में आपको बता दूंगा क्या कुछ आपको जो इसके अंदर डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, क्या कुछ जो है उसमें ज़्यादा फीचर दिए गए हैं। तो साइड से ऐसा कुछ लुक है, आप जो इसके नंबर को अगर छिपा लें तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा ट्रैक्टर 60 है या 45, क्योंकि बिल्कुल सेम कर दिया, साइड गियर में ही है आगे। तो ऐसी लाइटिंग वगैरह उसके अंदर आती है, ऐसी इसके अंदर आती है, फुटरेस्ट वगैरह बिल्कुल सेम है, डबल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग वगैरह दोनों में आता है। तो पहले तो जो 50 HP का ही हो गया, वो जो 55 HP कैटेगरी आता है, लेकिन ये जो 50 HP कैटेगरी का आता है, और एक जो इसके अंदर इंजन है इसके अंदर जो है 3450 CC का आता है, लेकिन उसके अंदर जो है 3508 CC का आता है, 3508 CC का। तो 3 सिलेंडर इंजन आता है, बैटरी बॉक्स वगैरह बाहर की साइड है, और एक जो है ग्राउंड क्लियरेंस, उसके अंदर जो ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आती है, इसके अंदर जो है कम थोड़ा नीचा सा ट्रैक्टर लगता है। ऑयल डिस्क ब्रेक इसके अंदर आता है, ऊपर से वगैरह बिल्कुल सेम है, और पीछे लिफ्टिंग कैपेसिटी वगैरह उसके अंदर जो 2500 kg के तकरीबन आती है, और इसके अंदर जो है 18 kg मिल जाती है। 5 ईयर 5000 घंटे की वारंटी दोनों के अंदर आती है। LED इंडिकेटर इसके अंदर आ जाते हैं, टूल बॉक्स और रिफ्लेक्टर बोतल होल्डर, एडजस्टेबल सीटिंग इसके अंदर आती है, और डबल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हैलोजन लाइटिंग आती है इसके अंदर, और यहाँ पर जो है नंबर वगैरह के नीचे यहाँ पर भी छोटी सी लाइटिंग दी गई है, ग्रैब हैंडल वगैरह इसके अंदर आ जाता है। और इसके अंदर जो है PTO पावर 43 की आती है 43 की, और फार्म ट्रैक 60 के अंदर 49 की 49 की आती है। अब बात करते हैं ऊपर की, कंपनी फिटी डिबम्पर वगैरह दिए गए हैं यहाँ पर जो है, अगर ट्रैक्टर फंस जाए तो यहाँ से आप टो कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। साइलेंसर वगैरह यहाँ पर ऐसे कुछ दिए गए हैं, साइलेंसर वगैरह सेम ही है। पावर मैक्स की बेजिंग फार्म ट्रैक 45 EPI हाइलो, यहाँ पर हैंड ब्रेक, यहाँ पर जो लिफ्टिंग के कंट्रोल हो गए, ऊपर से ऐसा कुछ लुक है ट्रैक्टर का। स्टेयरिंग वगैरह सेम है, यहाँ पर हॉर्न वगैरह रेस के, और ऐसा कुछ क्लस्टर वगैरह सेम है, और प्लेटफॉर्म भी खुला कर दिया ट्रैक्टर का, जिससे चढ़ने उतरने या बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। अगर गियर्स के स्पीड की बात करें तो आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर के साथ आते हैं। अगर दोबारा से इसके इंजन की बात करें तो वो जो आपको 3450 CC का 50 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है, 3 सिलेंडर इंजन है, और PTO पावर आपको जो है 43 की दी गई है, और 18 kg आपको लिफ्टिंग कैपेसिटी दी गई है। 5 ईयर 5000 घंटे की आपको जो है वारंटी देती है कंपनी, जो कि स्टार्टिंग से आती है फार्म ट्रैक में, और लिफ्टिंग फिल्टर वगैरह, वाटर स्प्रेटर, डीजल फिल्टर वगैरह सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। और यहाँ पर जो है F41 मॉडल है, जो फार्म ट्रैक में 60 में पहले जो F31 आता था उसको बंद करके जो है F41 निकाल दिया, और 45 के अंदर भी F41 आ गया। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ट्रैक्टर आपको कैसा लगा वो भी आप जो कमेंट करके बता देना।